अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बड़ी आसान जबरदस्त सी रेसिपी लेके आया हूँ। चिकन कॉर्न सूप सर्दियों में बड़ी मजेदार होती है। इसके लिए बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए, आधा किलो से थोड़ा सा कम चिकन चाहिए। मैंने हड्डी में लिया है क्योंकि हड्डी के साथ जो है सूप बहुत बेहतरीन बनता है। उसके अलावा ब्लैक पेपर, सॉल्ट, विनेगर, सोया सॉस, चिली सॉस, कॉर्नफ्लोर, दो अदद ग्रीन चिली। इसके अलावा कॉर्न हमने लिया है एक कप के करीब। उसके अलावा दो अदद अंडे। तो शुरू करते हैं नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हमने पानी लिया आधा लीटर। इसको पहले हम अच्छे तरीके से गल लेने देंगे और बाकी इंग्रेडिएंट्स इसके बाद है। 1 टीस्पून नमक जाएगा और इसको हम गलने तक के लिए रख देंगे। लीजिए नाज़रीन, ये हमारा चिकन गल चुका है। अब हम इसमें से निकालेंगे। ये प्लेट में हम निकालेंगे और इसके रेशे अलहदा करेंगे। ये हमने कॉर्न जो निकाले हुए हैं पहले से उबाल के रखे हुए हैं, उसका पानी अलहदा किया और इसको डालेंगे उसी पानी के अंदर। अब जो हमने पानी जो कॉर्न में से निकाला था इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। इस तरीके से हिलाएंगे ताकि इसकी पुट्टी ना बने। 2 टेबलस्पून जो हमने मिक्स किया हुआ कॉर्नफ्लोर है अब हम इसमें डालेंगे। उबलते उबलते पानी में डालेंगे तो ये अचानक से ये जो इस तरह घुमा के डाल लें। अच्छा जी, ये हमने जो चिली काट के रखी हुई है इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून विनेगर। इसका डालेंगे वो अलहदा से होगा। ये है जी सब्ज मिर्चें, थोड़ी सी अलहदा भी करके रखनी है जो बाद में अपनी मर्जी से आप इसमें टेस्ट के मुताबिक इजाफा कर सकते हैं। 1 टीस्पून जाएगी वाइट पेपर लें या ब्लैक पेपर, मैंने ब्लैक पेपर ली है। और अब हम इसको हल करेंगे। थोड़ी सी आग कम करते हैं